नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजय। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ड्रिल मशीन है इसके अंदर कैसा क्या मैकेनिज्म है, और इसके साथ जो बैटरी जो आई थी, तो इनमें से एक बैटरी का मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कैसे क्या उसको ओपन करते हैं, और इसके अंदर कैसी क्या बैटरी होती है और कितने पावर की बैटरी है लगी है इसके अंदर, वो भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से कुछ बैटरी है, इसमें दो बैटरी आई थी, और आपको पता होगा कि ये मैंने ड्रिल एक साल पहले खरीदी थी और उसको यूज़ करते करते मेरे को एक साल हो गए, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ये बैटरी का परफॉर्मेंस कैसा था। तो ये जो ड्रिल मशीन है इसका रिव्यू मैंने एक साल पहले इसका वीडियो अपलोड किया था, तो आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो आप देख सकते हो। बाकी ये ड्रिल मशीन अभी भी बढ़िया चल रही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो टॉर्क सेटिंग है वो भी बढ़िया से चल रही है, उसके जो जहाँ पे ड्रिल बिट हम जहाँ फिट करते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है, और ये रिवर्स फॉरवर्ड और जो इसमें वेरिएबल स्पीड का जो आपको स्विच मिलता है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो इसको हम फटाफट से खोल लेते हैं और उसके बाद देखेंगे इसके अंदर क्या है, और इसकी बैटरी भी देखेंगे। तो दोनों बैटरी में से मैं आपको बताऊँगा कि इसकी एक साल बाद इसमें कितनी क्या पावर बची और इसकी बैटरी की क्वालिटी कैसी, वो भी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। उस पर भी मैं आपको बताऊँगा, उसको खोल के बताऊँगा कि उसके अंदर जो बैटरी के सेल है वो कैसे है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, जो हमारी मशीन है। तो ये जो आप स्विच देख रहे हो ये रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच है, और उसको यदि आप सेंटर में कर लेते हो तो ड्रिल मशीन लॉक हो जाती है, सिर्फ इसका लाइट जलता है सेंटर में। तो इस प्रकार से इसका स्विच है, तो जो इसका स्विच है इसी के अंदर आप देख सकते हो कि रिवर्स फॉरवर्ड का भी स्विच इसी के अंदर दे रखा है, जिसमें वेरिएबल स्पीड हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी में आप देखो इस प्रकार से कुछ स्विच है, तो स्विच को भी मैं खोल के देखूंगा कि इसके अंदर कैसा क्या इसमें मैकेनिज्म होता है, तो उसके बाद उसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये जो हमारा स्विच है आप देखिए, स्विच को जितना प्रेस करोगे उतना ही इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्रेस करोगे। तो ये वेरिएबल स्विच होता है, तो हमको इसका जो गियर बॉक्स है आप जैसे देख सकते हो 12 वोल्ट की जो मोटर लगी है, इसका जो गियर बॉक्स है हमको इसका गियर बॉक्स ओपन करके देखना है कि इसके गियर बॉक्स में कितने गियर है और गियर की क्वालिटी कैसी क्या है, तो वो हमको अभी देखना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इस प्रकार की जो मोटर की जो सॉफ्ट है, मोटर की सॉफ्ट में इस प्रकार से एक गियर कनेक्ट होता है, तो जो सॉफ्ट जो उसके है उसको हाफ कट कर रखा है कि इस प्रकार से जो उसमें है वो कनेक्ट हो जाए, थोड़ा सा इसमें फ्री प्ले दिया है। और आप देख सकते हो इस प्रकार से इसमें गियर है, तो आपको गियर को देखते ही याद आएगा कि इस प्रकार के गियर को सन गियर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मोटर से जो पावर आती है तो उसको इसके जो टॉर्क होता है उसको हाई टॉर्क में बदलने का काम करते हैं इस प्रकार से गियर। तो जो मोटर होती है वो काफ़ी ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट होती है, उसके बाद में जो सन गियर होता है उसमें से उसकी स्पीड कम कर देता है, लेकिन उसमें जो टॉर्क होता है वो टॉर्क बढ़ा देता है, जिस कारण से इस ड्रिल मशीन का यूज़ हम स्क्रू को टाइट और लूज़ करने में भी करते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें जो हाउसिंग दे रखी है वो प्लास्टिक की, लेकिन जितने भी गियर है वो सब मेटल के गियर है, प्लास्टिक पे बिल्कुल भी लोड नहीं जाता है, पूरा लोड इन मेटल के गियर पर ही रहता है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ पैकिंग है, आप देख सकते हो इस प्रकार से सन गियर आपको दिख रहा है, तो ये एक टॉर्क कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि जो पावर है वो एक टॉर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो जिस प्रकार से मोटर में जो पावर है, तो इसमें हाई स्पीड मोटर में बिल्कुल भी मतलब उतना टॉर्क नहीं है जितना हमको ड्रिल मशीन में आउटपुट में मिलता है, तो मोटर में स्पीड जाता है, तो स्पीड में को इसमें एक टॉर्क में बदल देता है, जो हाई टॉर्क में बदल देता है। तो इस प्रकार से हम सन गियर रिमूव कर देते हैं। इसमें देखिए आप, इसमें एक और सन गियर लगा हुआ है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इसके आरपीएम कम कर देता है, जिस कारण से इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हाई टॉर्क की मोटर कह सकते हो आप इसमें, कि ये जो पूरी ड्रिल मशीन है इसमें इसको जो हाई आरपीएम की मोटर होती है उसके टॉर्क बढ़ाए गए। तो इस प्रकार से इसमें हम सब गियर रिमूव कर लेते हैं, और गियर अभी भी बढ़िया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। मैंने इस ड्रिल मशीन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ड्रिल मशीन है मैंने इसको सिर्फ सिवाय कंक्रीट पे इसका यूज़ नहीं किया है, जैसे जो हमारी दीवार होती है यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पर इसका यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इस ड्रिल मशीन में हैमर नहीं है, और यदि इस ड्रिल मशीन में हैमर नहीं है तो आप इसका कंक्रीट में यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको लकड़ी या मेटल में यूज़ कर सकते हो ड्रिल के लिए। बाकी स्क्रू ड्राइव के लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो जो मैंने ड्रिल मशीन खरीदी थी ये बैटरी ऑपरेटेड वाली, तो इसका मकसद यही था कि मैं जो भी स्क्रू होते हैं उसको टाइट और लूज़ करने के लिए मैं इसका यूज़ करूँ, ना कि मैंने इसका ड्रिल में बहुत ही कम यूज़ किया है। यदि मैंने इसका ड्रिल में यूज़ किया तो जो वुडन होता है या प्लाईवुड होती है, मैंने सिर्फ वहीं पे इसका यूज़ किया है, ना तो मेटल में किया है ना तो कंक्रीट में किया है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको वापस से पहले जैसा था इसको वापस फिटिंग कर देता हूँ। तो इस प्रकार से फिटिंग करना भी आसान है, आप चाहो तो उसको रीग्रीसिंग भी कर सकते हो टाइम टाइम पर,
जैसे कि मैंने अभी जो आपको बता रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी इसको ओपन किया है और इसमें मैंने ग्रीसिंग करी थी। ये वैसी ज़रूरत नहीं थी ग्रीसिंग की, जो कंपनी से ही अच्छे से ग्रीसिंग आती है, लेकिन मैंने उसको ओपन कर लिया था तो मैंने इसमें ग्रीस कर दिया था। और मैंने इसमें ग्रीस, जो मल्टीपर्पज़ ग्रीस होता है, वो मैंने यूज़ किया था, जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये मैंने ग्रीस खरीदा था, अमेज़न से ही खरीदा था। तो ये ड्रिल मशीन यदि आपको ख़रीदना हो तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी ड्रिल मशीन की लिंक मिल जाएगी। यदि आपको इसकी प्राइस चेक करना हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। यदि आपको ख़रीदना तो ख़रीद भी सकते हो। और इसके आसपास की जो ड्रिल मशीन होती है अच्छी क्वालिटी की, बैटरी ऑपरेटेड जो होती है, कॉर्डलेस ड्रिल बोलते हैं, तो उसकी भी लिंक दे दूंगा। आप चाहो तो ख़रीद भी सकते हो और इनकी प्राइस भी चेक कर सकते हो कि अभी क्या चल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये ड्रिल मशीन का गेयरबॉक्स था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मतलब जो इसकी प्राइस रेंज है उस हिसाब से अच्छी क्वालिटी है इसकी। और इसको इस प्रकार से आप वापस कनेक्ट कर सकते हो। यदि मोटर ख़राब होती है तो मार्केट में ये मोटर मिल जाती है और इस प्रकार से आप इसको वापस से रीयूज़ कर सकते हो। यदि ख़राब हो जाए तो आप इसको रिपेयर कर सकते हो। और फिटिंग बहुत ही बढ़िया है इसकी, एकदम स्नग फिट होता है, मतलब सभी पार्ट्स इसके फिटिंग में बहुत ही अच्छे है। तो इसको आप, इसको मतलब आपको ऐसा ज़रूरत पड़ रही है कि रिपेयरिंग की, तो ये रिपेयर हो सकता है। और ये जो आप सर्किट देख रहे हो, ये बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट है, मतलब जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ओवर डिस्चार्ज होने से बचाता है और ओवरलोड से भी ये बैटरी को बचाता है। अब हम बैटरी को ओपन करके देख लेते हैं कि बैटरी के अंदर कैसा इसमें सेल दिए है, इसके अंदर कौन सी बैटरी लगी है। वैसे तो उसमें लिखा है लिथियम आयन बैटरी डली हुई है उसमें, और यह सन पावर्ड कंपनी की कोई सी लिथियम आयन बैटरी लगी है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी बैटरी है तो इसमें दो बैटरी मिलती है, क्योंकि मैंने जो ड्रिल मशीन खरीदी थी वो दो बैटरी वाली खरीदी थी। इसमें आपको सिंगल बैटरी वाली ड्रिल मशीन भी मिल जाएगी, लेकिन मैंने एक दो बैटरी का ये खरीदा था, स्पेयर में मिली थी मेरे को एक बैटरी। इसकी प्राइस दी थी मैंने, ऐसा नहीं कि आपको सस्ते मिल जाएगी, मतलब फ्री में मिल जाएगी बैटरी, आपको पैसे देना पड़ेंगे, तो आपको दो बैटरी मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, दो बैटरी में से एक बैटरी वीक हो गई है, तो उसी को मैं ओपन कर रहा हूँ। जो बैटरी अच्छी है उसको मैं नहीं ओपन कर रहा हूँ। तो ये जो बैटरी वीक हो गई है, लेकिन काम अभी भी करती है, काम चला देती है, लेकिन इसमें उतनी पावर नहीं है। तो इसको मैं ओपन करा है और आपको दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से इसमें सेल है। इसमें वही लिथियम आयन के सेल मिलेंगे आपको, जिसका नंबर है 18650, जो बैटरी पे लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से इसके इस पर सेल पे लिखा है नंबर, इसमें आप देख सकते हो। तो जैसे कि ये जो बैटरी है, यदि आप ख़राब हो जाए तो इसको आप क्या करोगे। यदि आप ऐसा नया बैटरी पैक भी खरीद सकते हो, वैसे तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है। यदि आपको इसको खुद से ऐसा बैटरी पैक बनाना हो, तो मैंने एक जुगाड़ देखी है, तो आने वाले कुछ समय में मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँगा। जैसे ये मैं बैटरी इसकी चेंज करने वाला हूँ, तो जिसके तीनों सेल में चेंज कर दूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कई जगह से मुझे सस्ते में और अच्छी क्वालिटी के सेल मिल जाएंगे, तो मैं इसको चेंज कर दूँगा। तो जो हमारी जो ड्रिल मशीन है उसकी दोनों ही बैटरी परफेक्ट हो जाएगी। तो अभी तो इस प्रकार से मैं आपको इसके वोल्टेज दिखा रहा हूँ, इसके वोल्टेज आ रहे हैं 4.4 के आसपास। तो बैटरी की कंडीशन अभी अच्छी है, 4.04, मतलब सभी बैटरी लगभग 4 वोल्ट का पावर दे रही है, तो वोल्टेज है इसके तो अच्छी है इसकी बैटरी। यदि दोस्तों आपको ये ड्रिल मशीन खरीदना हो तो इसकी लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।